नमस्कार, पिनाकल ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। और इस वीडियो लेक्चर में हम करने वाले हैं वैदिक एज, वैदिक काल और वैदिक एज पर हमने टू वीडियोस बनाए हैं। जो पहला वाला वीडियो है उसमें हम वैदिक काल के बारे में करेंगे और दूसरे वाले वीडियो में हम वैदिक साहित्य के बारे में करेंगे। ये जो वीडियो है ये प्रोजेक्ट अग्नि 40+ के तहत बनाया जा रहा है पिनाकल ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस की ओर से। प्रोजेक्ट अग्नि 40+ में हम पूरी मेहनत कर रहे हैं स्टूडेंट्स के साथ कि स्टूडेंट्स जो हैं वो जनरल अवेयरनेस का जो सेक्शन है एसएससी सीजीएल में, उसमें कम से कम मिनिमम 40+ मार्क्स स्कोर करें। शुरुआत करते हैं वैदिक पीरियड। ओके, वैदिक पीरियड या वैदिक काल। अब देखिए यहां पर कि हमने बात की इससे पहले वाले वीडियो में सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में। सिंधु घाटी की सभ्यता के बारे में अधिकतर सोर्सेज जो है वो ये कहते हैं कि 1800 से 15 बीसी ईसा पूर्व उस सभ्यता का अंत हो गया था। उसके बाद जो अगला पीरियड है हिस्ट्री में उसे हम कहते हैं वैदिक काल। इसको वैदिक काल क्यों कहा जाता है? इसको वैदिक काल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस दौरान वेदों की रचना हुई, वेदों की रचना हुई, ठीक है। और ये जो सारा वैदिक काल है इसको हमने दो हिस्सों में विभाजित किया है। एक है 1500 से लेकर 1000 ईसा पूर्व, ठीक है, और दूसरा है हमारा उत्तर वैदिक काल जो 1000 से लेकर 600 ईसा पूर्व। इसके बाद वाला जो पीरियड आएगा वो जैन धर्म और बौद्ध धर्म का पीरियड होगा, ठीक है। अब वैदिक काल, अब इसमें इसको हम आर्यंस, जब भारत में आर्य आए वो वाला पीरियड भी मानते हैं। पहले ऐसे कहा जाता था कि जो आर्य हैं वो मध्य एशिया से आए थे, ठीक है। और इस एक थ्योरी दी गई, एक सिद्धांत दिया गया जो दिया मैक्स मुलर ने, और मैक्स मुलर के अनुसार जो आर्य थे वो मूल रूप से मध्य एशिया के रहने वाले थे और इनके पास बहुत सारे मवेशी थे, बहुत सारे गायें थे, घोड़े थे। उनके लिए चारागाह ढूंढते हुए, उनके लिए हरी भरी घास ढूंढते हुए, पानी का सोर्स ढूंढते हुए ये भारत आए, ठीक है। और उसके बाद उत्तरी भारत में जहां आज पाकिस्तान है और ये सब जगह है यहां पर ये सेटल हो गए और इस क्षेत्र को नाम दिया गया सप्त सिंधु क्षेत्र। सप्त सिंधु क्यों? सिंधु तो वहां पर जो सिंधु नदी है और उसकी 7 ट्रिब्यूटरीज हैं, उसकी सहायक नदियां हैं 7, इसलिए इस क्षेत्र को नाम दिया गया सप्त सिंधु क्षेत्र। ओके, और अपनी थ्योरी को, अपने सिद्धांत को सपोर्ट करने के लिए मैक्स मुलर कहते हैं कि सेंट्रल एशिया में एक जगह है बोगस घई, वहां पर इंद्र, वरुण, मित्र, नास्त्य, ठीक है, ये इन भगवानों का उल्लेख मिलता है और यही जो भगवान है इनका जिक्र वैदिक काल में भी किया गया है, ठीक है। ये एक प्राचीन थ्योरी है, ठीक है, लेकिन आज के टाइम में हम इस थ्योरी को नकारते हैं और ऐसा कहा जाता है जो नवीनतम थ्योरी है उसके अनुसार कि आर्य कहीं बाहर से नहीं आए थे, वो भारत के ही थे, ठीक है। धीरे धीरे आसपास के एरिया में उन्होंने विस्तार किया और जिस एरिया में, जिस क्षेत्र में वो फैलते गए वो आर्यव्रत कहलाया। इसी दौरान, इस वैदिक काल में, हम पहले बात कर रहे हैं वैदिक काल की जो अर्ली वाला पीरियड है उसकी, इस टाइम में ऋग्वेद की रचना की गई और राजशाही प्रणाली थी, ठीक है, राजशाही प्रणाली थी। राजा की मदद करने के लिए, एक राजा हुआ करता था और राजा की मदद करने के लिए सभा, समिति, गण और विदथ थे, ठीक है। परिवार, कुल जो है, पल कुल या परिवार, ये समाज का सबसे छोटा हिस्सा माना जाता था और राजा की मदद करने के लिए 3 लोग हुआ करते थे। एक था पुरोहित जो धार्मिक मामलों में राजा की मदद करता था, दूसरा सेनानी जो कि सेना का प्रमुख था, और तीसरा ग्रामीणी जो गांवों का प्रमुख हुआ करता था। बहुत ही सरल सा सारा सिस्टम था, बहुत ही सरल था सब कुछ, ठीक है। यहाँ तक कि अगर राजा पसंद नहीं था तो ये जो सभा, समिति, गण और विदथ थे इनको ये अधिकार था कि राजा बदला भी जा सकता है। ऐसा कुछ भी नहीं था इस पीरियड में कि राजा के बाद राजा का पुत्र ही अगला राजा बनेगा, नहीं, ऐसा नहीं था, ठीक है। बलि, बलि एक प्रकार का कर था और ये भी वॉलेंटरी था। वॉलेंटरी का मतलब क्या है? वॉलेंटरी का मतलब यह है कि आपको देना अनिवार्य नहीं है, आपकी इच्छा है तो दीजिए, आपकी इच्छा है तो मत दीजिए, ठीक है। पितृ सत्तात्मक समाज था, पुरुष प्रधान समाज था और जो परिवार का सबसे बड़ा, सब परिवार का सबसे बड़ा मेल मेंबर होगा वही परिवार का मुखिया होगा। एकल विवाह प्रणाली, विवाह को बहुत ही सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था, अधिकतर लोग एक ही विवाह करते थे और ऐसा माना जाता था कि ये पवित्र बंधन हमें जन्म भर निभाना है,
ठीक है, बहु विवाह प्रणाली डेफिनेटली थी, लेकिन अधिकतर लोग एकल विवाह प्रणाली में ही विश्वास करते थे और यही देखने को मिलता था। नियोग विवाह भी उस वक्त था। नियोग विवाह वो होता है, नियोग विवाह प्रथा, जिसमें ये होता है कि अगर किसी महिला के पति की मृत्यु हो गई है तो उसका विवाह पति के छोटे भाई यानी कि देवर से कर दिया जाता है। ये प्रथा आज भी उत्तर भारत के काफी जगहों पर आपको देखने को मिलेगी और ऐसा उस महिला को दोबारा से सेटल करने के लिए किया जाता है। विधवा पुनर्विवाह भी उस जमाने में हुआ करता था। गाय जो है, गाय को अघन्य माना जाता था कि गाय को नहीं मारा जा सकता, गाय को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाया जा सकता, बल्कि एक इंसान वो कितना समृद्ध है ये इस बात से आंका जाता था कि उसके पास गाय कितनी है। जितनी ज्यादा किसी के पास गाय उतनी ही ज्यादा उसकी समृद्धि मानी जाती थी। गवयित्री दूरी की एक इकाई थी और दूरी नापी जाती थी, और गोधूली जो है वो समय की इकाई थी। गोधूली क्या होता है? गोधूली सांझ का समय होता है जब गाय वापस आती हैं। तो गाय जब सांझ के समय वापस आती हैं तो अपने पैरों से जो उनके खुरों से धूल उड़ती है उस समय को हम गोधूली कहते हैं। ठीक है, इंद्र और अग्नि ये प्रमुख देवता थे, वरुण भी प्रमुख देवताओं में आते थे। सब अब क्वेश्चन काफी बार आता है कि अर्ली वैदिक पीरियड में सबसे महत्वपूर्ण कौन से देवता थे? सबसे महत्वपूर्ण थे इंद्र और उसके बाद अग्नि। अग्नि को इंसान और भगवान के बीच का माध्यम माना जाता था। ठीक है, तभी यज्ञ किए जाते हैं, जब हवन किए जाते हैं तो अग्नि का उसमें महत्वपूर्ण रोल होता है। सोम जो है ये एक अल्कोहलिक ड्रिंक थी। समाज को चार हिस्सों में विभाजित किया गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। और ये जो विभाजन था ये व्यवसाय के आधार पर था, जन्म के आधार पर नहीं। ब्राह्मण का प्रमुख काम क्या था? ब्राह्मण का प्रमुख काम शिक्षित करना था। क्षत्रिय का प्रमुख काम जो है वो सेफ्टी, सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था को बनाए रखना था। वैश्य का प्रमुख काम व्यवसाय से संबंधित था, और जो शूद्र था उसका प्रमुख काम ऊपर की तीनों की सेवा करना था। लेकिन मान लीजिए कोई इंसान है जो वैश्य का काम कर रहा है परंतु वो सुखी नहीं है, वो बदलना चाहता है वो किसी कारणवश, तो वो क्षत्रिय का काम भी कर सकता था, वो ब्राह्मण का काम भी कर सकता था। अभी व्यवसाय के आधार पर विभाजन था, समाज बहुत जटिल नहीं था। मंदिर नहीं थे इस जमाने में और खुले में ही पूजा की जाती थी। आज भी आप देखिए हिंदू समाज में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे सूर्य देव को जल चढ़ाना, चांद को जल चढ़ाना, पीपल के पेड़ की पूजा करना, ये सभी चीजें उस जमाने में भी थी। ठीक है, तो खुले में पूजन किया जाता था। इनफैक्ट इन सभी चीजों की शुरुआत तब ही हुई है। बहुत कम व्यापार के उदाहरण है, बहुत ही कम, और वस्तु विनिमय प्रणाली थी। वस्तु विनिमय प्रणाली में क्या होता है कि मुद्रा नहीं होती है और चीजें आपस में अदली बदली जाती हैं। इनफैक्ट काऊ जो गायें हैं उसको बहुत जगह इस्तेमाल किया जाता था। अगर किसी को जमीन खरीदनी है तो बदले में 10 गायें दे दो, बदले में 50 गायें दे दो, इस तरह का सिस्टम था। अब हम बात करते हैं समाज की। जैसे कि मैंने बताया, समाज का जो सबसे छोटा हिस्सा था वो परिवार था। परिवार को कुल भी कहा जाता था और परिवार का जो मुखिया था वो कुलप कहलाता था। प्रश्न इस प्रकार से आ सकता है कि कुलप किसका मुखिया हुआ करता था? तो आपको पता होना चाहिए कि कुलप जो था वो परिवार का मुखिया था। बहुत सारे परिवार मिलकर एक ग्राम बनाते थे, उस गांव, और इसका जो हेड था वो ग्रामीणी कहलाता था, जो राजा का भी मददगार था। ठीक है, फिर बहुत सारे ग्राम मिलकर विश बनाते थे, बहुत सारे विश मिलकर जन बनाते थे, और जन जो है वो राष्ट्र का निर्माण करते थे। विश का जो प्रमुख था वो विशपति कहलाता था, जन का जो प्रमुख था वो गोप या गोपति कहलाता था, और पूरे राष्ट्र का जो प्रमुख था वो राजन कहलाता था। ठीक है, भोजन में अधिकतर लोग शाकाहारी थे। ठीक है, लेकिन मांसाहारी लोग भी थे, और सोम जो था ये एक शराब का नाम है, लोग सोम रस का सेवन करना पसंद करते थे। व्यवसाय में अधिकतर लोग पशुपालक थे या फिर किसान थे। पशुओं को चराना एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम था, लेकिन स्वर्णकार भी थे।
अब हम चलते हैं उत्तर वैदिक काल पर। अभी तक हमने जो किया वो अर्ली वैदिक पीरियड के बारे में था, जैसे कि मैंने आपको बताया कि वैदिक काल दो हिस्सों में विभाजित था। अब हम चलते हैं उत्तर वैदिक काल पर और इसका टाइम पीरियड 1000 बीसी से लेकर करीबन 600 बीसी तक था। पहले वाले पीरियड में हमने देखा कि चीजें सिंपल है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, जटिल नहीं है, समाज इतना जटिल नहीं है। लेकिन अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे कि समाज धीरे धीरे जटिल होता जाएगा। इस समय समाज जटिल होता जाएगा, ब्राह्मण जो है वो प्रमुख होते जाएंगे, संस्कृत भाषा को बहुत ज्यादा महत्व दिया जाएगा। इसीलिए जो आम आदमी है वो परेशान महसूस करेगा और फिर समाज में सुधार लाने के लिए इसके तुरंत बाद दो नए धर्म आएंगे, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, जो बिल्कुल सादे जीवन में विश्वास करेंगे। ठीक है, अब हम बात करते हैं उत्तर वैदिक काल की। उत्तर वैदिक काल में जो आर्य थे उन्होंने आसपास के एरिया में भी वो फैल गए और पहले तो वो सप्त सैंधव वाला जो क्षेत्र था वहां पर रहे, लेकिन अब वो फैल गए और जहां जहां वो फैले वो जो एरिया है वो आर्यव्रत कहलाया। ठीक है, जो आर्य हैं इनके पास घोड़े थे, ठीक है, इनके पास घोड़े थे, साथ ही साथ इनके पास गायें थी, साथ ही साथ इनके पास लोहा भी था। अब देखिए, अगर लोहा आएगा तो लोहे से बहुत सारे औजार बनाए जाएंगे, जब बहुत सारे औजार बनाए जाएंगे तो भूमि की सफाई की जाएगी, कृषि पर जोर दिया जाएगा, जब कृषि अच्छी होगी तो राजा कर लगाएगा और जब राजा कर लगाएगा तो राजा चाहेगा कि मेरा बहुत बड़ा राज्य हो, बहुत बड़े बड़े नगर हो। तो इस कार्य में भूमि की सफाई की गई और बहुत बड़े नगरों का निर्माण हुआ। जो छोटी छोटी आदिवासी बस्तियां थी वो बड़े राज्यों में परिवर्तित हुई और राजा जो है वो धीरे धीरे महत्वाकांक्षी होने लगा। वो महत्वाकांक्षी इतना होने लगा कि वो एक नियमित सेना जो है मेंटेन करने लगा। इससे पहले वाले पीरियड में क्या था कि राजा के पास सेना नहीं होती थी। अगर कभी कोई जो आम आदमी होते थे, जो किसान वगैरह होते थे, जब राजा के ऊपर आक्रमण हो गया, उनके राज्य पर आक्रमण हो गया तो वो जाकर राजा की सेना में काम कर लेते थे, वरना बाकी समय वो अपने खेतों में काम करते थे। लेकिन अब राजा एक नियमित सेना रखने लगा और शांति के समय भी हमेशा उसके दिमाग में उधेड़ बुन चलती रहती कि मैं किस राज्य पर हमला करूं और विस्तार करूं अपने राज्य का। ठीक है, प्रांतीय सरकार आ गई। प्रांतीय सरकार का मतलब क्या है कि जो पूरा राजा का राज्य था वो अलग अलग प्रांतों में विभाजित हुआ और ये जो राज्य थे, ये छोटे छोटे प्रांत थे, ये किसी और अधिकारी के नीचे दिए गए। राजा की शक्तियों का विस्तार हुआ, राजा जो है और शक्तिशाली होता गया और अब राजा को हटाना असंभव सा हो गया। ठीक है, पहले जैसे हमने देखा कि राजा को हटा भी सकते थे अगर अच्छा राजा नहीं था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। ठीक है, अब ऐसा नहीं है और जो सभाएं थी उनकी शक्ति कम होती गई और महिलाएं अब इन सभाओं का हिस्सा नहीं रही। राजा जैसे जैसे शक्तिशाली हुआ, राजा की मदद करने के लिए 12 रतन आए। ठीक है, बहुत बार प्रश्न इस प्रकार आ जाता है कि राजा की मदद करने के लिए निम्नलिखित में से कौन एक रतन नहीं था, राजा की मदद करने के लिए उत्तर वैदिक काल में कितने रतन थे, या फिर अक्षवाप कौन था, युवराज कौन था, आपको पता होना चाहिए। राजा की मदद करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था पुरोहित। पुरोहित कौन था, ये राजा के सभी धार्मिक मामलों में राजा का प्रमुख सलाहकर्ता हुआ करता था और राजा की मदद के लिए थी महिषी। राजा एक से ज्यादा रानियां भी रखता था और जो मुख्य रानी थी वो थी महिषी। युवराज कौन है, ये राजा का उत्तराधिकारी है। युवराज राजा का सबसे बड़ा बेटा होता था। फिर अगला है अक्षवाप। कुछ किताबें ये कहती हैं अक्षवाप दूत होता था, लेकिन कुछ और सोर्सेज ऐसे हैं जो कहते हैं कि ये राजा का गैम्बलिंग होता है, जुआ खेलना। ठीक है, ये उस टाइम में बहुत ही फेवरेट पास टाइम हुआ करता था राजा का और ये राजा का प्रमुख मित्र था जो उसके साथ हमेशा जुआ खेला करता था। ऐसा तो अक्षवाप के लिए दो एक्सप्लेनेशंस दी गई हैं, मैंने आपको दोनों बता दी। फिर राजा की मदद के लिए सारथी होता था। सारथी, अगर आप महाभारत देखें, महाभारत इसी काल की है, अगर आप महाभारत देखें तो उसमें धृतराष्ट्र का सारथी कौन था, संजय। उसका बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है। ठीक है, पूरे महाभारत के युद्ध में अर्जुन का सारथी कौन था, श्री कृष्ण। भागदूत था करों का संग्राहक। राजा इतना बड़ा साम्राज्य तभी तो एस्टैब्लिश कर पाएगा, तभी तो मेंटेन कर पाएगा जब समय पर कर इकट्ठा किया जाएगा जनता से। पालाघर राजा का मित्र था। हमने क्या देखा इससे पहले वाले पीरियड में कि एक ही टैक्स है बाली, और वो भी आपकी मर्जी है, आपको देना है तो दीजिए, नहीं तो नहीं, वो कंपल्सरी नहीं था। लेकिन अब टैक्सेस भी
अनिवार्य हुए। गोवेकर्तन ये वनाध्यक्ष था। वनाध्यक्ष कौन होता है? वन, धीरे धीरे राजा को वनों के महत्व का पता चला। वनों से लकड़ी आती थी, ओके, और वनों में हाथी वगैरह भी होते हैं, और हाथी जो है राजा की सेना का महत्वपूर्ण हिस्सा होने लगे। तो वनों की महत्वता देखकर राजा ने एक अधिकारी को नियुक्त किया जो वनाध्यक्ष कहलाया और रत्निनों का हिस्सा बना। सेनानी ये सेनापति था, ग्रामीणी गांव का मुखिया, शत ये द्वारपाल था, और संग्रहित्री खजानची, ठीक है, खजान ये खजानची होगा। तो ये इतने सारे लोग अब राजा की मदद के लिए करने लगे। सिस्टम अब पहले जितना आसान नहीं रहा, राजा को हटाना असंभव सा हो गया, ठीक है। अब हम चलते हैं समाज पर। समाज के का चार स्तरीय विभाजन था, जैसे कि हम देख चुके हैं कि सबसे पहले ब्राह्मण, फिर क्षत्रिय, फिर वैश्य और फिर शूद्र। और अब धीरे धीरे जहां पहले ये व्यवसाय पर आधारित था, अब ये अनुवांशिक हो गया। अनुवांशिक का मतलब क्या हुआ कि अगर आपका जन्म एक शूद्र परिवार में हुआ है तो आप शूद्र ही रहेंगे, आप उसे बदल नहीं सकते, ठीक है। गोत्र, गोत्र भी पहली बार इसी समय में देखा गया। लोगों का जो सबसे फेवरेट पास टाइम था, जो उनको करना सबसे ज्यादा पसंद था समय बिताने के लिए, वो क्या करते थे? वो रथों की दौड़ करवाते थे, वो जुआ खेलते थे। जुआ बहुत ही प्राचीन काल से है, ठीक है। फिर महिलाओं के अधिकारों में इस समय बहुत ज्यादा कमी आई और महिलाएं जो है वो धीरे धीरे घर की चार दीवारी की ओर ही सीमित होने लगी। उसके बाद हम बात करते हैं आश्रम व्यवस्था की। मनुष्य का जीवन 100 वर्षों का है ऐसा माना जाता था, और इन 100 वर्षों में पहले जो 25 वर्ष हैं वो था ब्रह्मचार्य। ब्रह्मचार्य में क्या था? ब्रह्मचार्य में ये था कि जो बॉयज हैं, लड़के हैं, वो गुरु के आश्रम में जाकर रहेंगे, और जब वो गुरु के आश्रम में जाकर रहेंगे वहां वो पहले 25 वर्षों तक, अपने जीवन के 25 वर्षों तक रहेंगे, ठीक है। जब तक कि वो 25 वर्ष का नहीं हो जाता वो गुरु के आश्रम में रहेगा। वहां पर वो गणित, शिकार, ग्रामर, व्याकरण, इन सब चीजों के बारे में जानकारी प्राप्त करेगा। जब वो 25 वर्ष का हो जाएगा तो वो वापस आएगा, फिर उसकी शादी होगी और उसका नया जीवन जो स्टार्ट होगा, जो अगला आश्रम है वो है गृहस्थ। वो शादी करेगा और परिवार के प्रति उसकी जितनी जिम्मेदारियां हैं, ठीक है, एक गृहस्थ का जीवन वह व्यतीत करेगा, वो सभी जिम्मेदारियां पूरी करेगा। उससे अगला है वानप्रस्थ। 50 वर्ष की आयु में वे वन की ओर प्रस्थान करेगा और वो वन में रहने का प्रयास करेगा। हालांकि अगर उसका मन न लगे वो बीच बीच में आ सकता है, ठीक है। कुल मिलाकर कहने का यह मतलब है कि वो सांसारिक चीजों से दूर हटने की कोशिश करेगा। और आखिर में है संन्यास, जिसमें वो पूरी तरह से वन में ही रहेगा 75 वर्ष से लेकर 100 वर्षों तक। इस प्रकार से जो मनुष्य के 100 वर्षों का जीवन है उसको हमने आश्रम व्यवस्था में विभाजित कर रखा था। अब देखिए, लड़कियां नहीं जाती थी गुरुकुल में गुरु के पास रहने, केवल लड़के जाया करते थे। तो लड़कियों का क्या किया जाए, ठीक है। अब तक तो हमने कहीं नहीं देखा कि बाल विवाह का कहीं उल्लेख हो, लेकिन अब धीरे धीरे क्या होगा, अब धीरे धीरे जब लड़कियां शिक्षा से दूर होती जाएंगी तो सब बाल विवाह भी समाज का हिस्सा बन जाएगा, ठीक है। अगर हम धर्म की बात करें तो धीरे धीरे बलि प्रथा भी आ गई, धर्म बहुत ही मुश्किल हो गया, ठीक है, धर्म बहुत ही मुश्किल हो गया। धार्मिक मान्यताएं बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई, और ऐसा देखा गया कि इंसान के जन्म लेने से पहले, जब वो माँ के गर्भ में आता है तब से लेकर उसकी मृत्यु तक और मृत्यु के बाद भी बहुत सारी चीजें जो है धर्म से जोड़ दी गई, ठीक है। बहुत सारे रीति रिवाज आ गए, बहुत ही मुश्किल और जटिल हो गई। शुभ समय, अशुभ समय, यात्रा करना है तो पंडित के पास जाइए, इस तरह की बहुत सारी चीजें आ गई, और जो पंडित हैं उनका महत्व, पुजारियों का महत्व बहुत ज्यादा बढ़ गया। पुजारियों का प्रभुत्व के विरुद्ध इस समय असंतोष था, ठीक है। धार्मिक मान्यताएं बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो गई। प्रजापति कौन है? प्रजापति ये मुख्य देवता थे और इनको सृष्टि का रचयिता माना गया, विष्णु को पालन करता और लोगों का रक्षक माना गया। आपका इस तरह से प्रश्न आ सकता है कि लोगों का रक्षक जो उत्तर वैदिक काल है उसमें किसको माना गया, आपको पता होना चाहिए। इस समय भगवानों के भी विभाजन हो गए और शूद्रों के देवता थे पुषाण। धर्म बहुत ही मुश्किल और जटिल हो गया। अगर अर्थव्यवस्था की बात करें तो कृषि उस समय में प्रमुख था। इसके अलावा मछली पालन, व्यापारियों ने अपने आप को श्रेणियों में विभाजित करना शुरू किया, ठीक है, और द्वारपालक, इस तरह के नए नए व्यवसाय आने लगे। और इसी के साथ हमारा ये जो वीडियो था
वैदिक काल पर ये खत्म होता है। ये हमारा पार्ट वन ऑफ द वीडियो था, जिसमें हमने दोनों ही पार्ट्स किए आपके साथ, जो फर्स्ट वाला पार्ट है और जो उत्तर वैदिक काल है, दोनों ही हमने आपके साथ कवर अप किए हैं। वैदिक एज का जो पार्ट टू होगा उसमें मैं बात करूंगी वैदिक साहित्य की। द सेम वीडियो हैज ऑल्सो बीन मेड इन द इंग्लिश लैंग्वेज फॉर दो स्टूडेंट्स हु आर मोर कंफर्टेबल इन इंग्लिश, दे कैन वॉच दैट वीडियो। सो ऑल द बेस्ट, बाय बाय।